गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे क्लास 8 मैथ्स के जो एक्सरसाइज 2.4, जो चैप्टर 2 चला है आपका, उसमें एक्सरसाइज 2.4 को सॉल्व करें। सबसे पहले आपके पास है क्वेश्चन नंबर 1। अमीना थिंक्स ऑफ ए नंबर एंड सब्ट्रैक्ट 5/2 फ्रॉम इट एंड शी मल्टीप्लाइज द रिजल्ट बाय 8। द रिजल्ट नाउ ऑब्टेंड इज 3 टाइम्स द सेम नंबर शी थॉट ऑफ। व्हाट इज द नंबर? क्वेश्चन में दिया है कि अमीना जो है किसी नंबर को थिंक करती। हम अपनी तरफ से लेते हैं कि लेट अमीना थिंक्स ए नंबर एक्स। अमीना ने जो नंबर सोचा है वो नंबर एक्स है। अब हम क्वेश्चन के अकॉर्डिंग करें, हमारे पास नंबर आ चुका है ये एक्स नंबर। उसने बोला कि अमीना थिंक्स ए नंबर एंड सब्ट्रैक्ट 5/2 फ्रॉम इट। अमीना ने जो नंबर सोचा है उसमें से वो 5/2 को सब्ट्रैक्ट करती है, जो रिजल्ट आता है उसको 8 से मल्टीप्लाई करती है, और तो उसके बाद क्या रिजल्ट मिलता है हमें वो देखते हैं कि जो रिजल्ट आता है वो जो हमने नंबर सोचा था सबसे पहले उसका 3 टाइम आता है। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग करना है आपने, 3 × x। अब 8 × x करेंगे, 5/2 × 8 करेंगे और 3 × x, 3 × x तो हमारे पास 3x बन जाएगा, और यहाँ 8 × x तो 8x बन जाएगा। 5 × 8/2 को हम इसको कट करेंगे तो 2 × 4 = 8, 4 × 5 = 20, माइनस का 20 है उधर चला जाएगा, प्लस का 20, और 3x प्लस का इधर आ जाता है तो -3x। 8x -3x तो क्या बन जाएगा, 5x इक्वल टू 20, तो x की वैल्यू 20/5, तो रिजल्ट क्या आ गया हमारे पास 4। इट मीन्स x की वैल्यू कितनी आ गई है 4। इट मीन्स अमीना ने क्या नंबर सोचा था, वो जो अमीना ने थिंक्स किया था नंबर, वो हमारे पास x इक्वल टू 4 था। वो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है। अब क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में दिया ए पॉजिटिव नंबर इज 5 times अनदर नंबर। हमारे पास कोई नंबर है और हमारे पास दूसरा नंबर है उसका 5 times है। इफ 21 एडेड टू बोथ द नंबर्स देन वन ऑफ द न्यू नंबर बिकम्स ट्वाइस द अदर न्यू नंबर्स, व्हाट आर द नंबर्स? इसमें हम क्या करेंगे, सबसे पहले एक नंबर ले लेते हैं कि लेट ए नंबर एक्स। उसने बोला कि जो अनदर नंबर है वो फर्स्ट नंबर का 5 times है, ये न्यू नंबर है हमारे पास 5x। हमने सबसे पहले क्या लिया, लेट ए नंबर एक्स, और अनदर नंबर क्या बन जाएगा 5x। क्वेश्चन में दिया है कि पॉजिटिव नंबर इज 5 times अनदर नंबर, एक नंबर जो है दूसरे नंबर का 5 times है। अगली स्टेप है हमारे पास 21 ऐड टू द बोथ द नंबर्स, दोनों में हमने 21 ऐड करना है। और उसने बोला है कि जो हमारे पास नंबर आता है, जो नया नंबर आता है वो वो जो है 2 times हो जाता है जो फर्स्ट नंबर का। इट मीन्स हम क्या करेंगे, इसमें x में 21 ऐड किया और 5x में भी 21 ऐड किया। इट मीन्स जो ये नया नंबर था, जब इसमें 21 ऐड किया है तो फर्स्ट नंबर के 21 ऐड करने के बाद ये डबल हो जाता है। इट मीन्स हम इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तब ये इसके इक्वल आता है। तो 2x 2 21 42 हो जाता है, 5x 21, 5x -2x और 42 -21, तो ये 21 इक्वल टू 3x, और 21/3 तो 7 पर कैंसिल हो जाता है। इट मीन्स x की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई है 7। इट मीन्स फर्स्ट नंबर क्या है 7, और सेकंड नंबर क्या बन जाएगा 5 × 7, 5 × 7 = 35, ये हमारे पास 2 नंबर आ जाते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 3। अ सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ द 2-digit नंबर इज 9, व्हेन इन वी इंटरचेंजिंग द डिजिट्स इट्स फाउंड दैट रिजल्ट न्यू नंबर इज ग्रेटर देन द ओरिजिनल नंबर इज बाय द 27, व्हाट इज द 2-digit नंबर? हम इसमें जो है सबसे पहले क्या लेते हैं कि हम यूनिट डिजिट और 10 digit लेते हैं दोनों नंबर्स का। जैसे हमने यहाँ पर लिया लेट द यूनिट डिजिट एक्स, और 10 digit 9 - x बनेगा, क्योंकि इसमें देखिए दोनों नंबर जो है हमारे पास दोनों डिजिट है उनका सम जो है 9 है। तो इट मीन्स सेकेंड नंबर क्या बन जाएगा हमारे पास, सेकेंड डिजिट क्या बनेगा 9 - x, देन द नंबर, नंबर क्या बन जाएगा यूनिट डिजिट प्लस 10 × 10 digits 10 × 9 - x, तो 10 × 9 = 90, 10x = 10x, और यहाँ पर x 90, और यहाँ -10x प्लस x तो -9x, और 90 - 9x। अब उसने बोला कि अगर आप डिजिट इंटरचेंज कर देते हो, यूनिट डिजिट को 10 digit और 10 digit को यूनिट डिजिट में चेंज कर देते हो, यूनिट डिजिट 9 - x और 10 digits x, क्योंकि यहाँ पर यूनिट डिजिट क्या था x और 10 digit क्या था 9 - x, इनको इंटरचेंज कर दिया हमने। जब इनको इंटरचेंज करेंगे तो नया नंबर क्या बनेगा, तो यूनिट डिजिट्स प्लस 10 × 10 digits, और यहाँ पर 10 × x 10x बन जाता है, 9 - x तो 9 - x, और 10x - x 9x + 9, 9x + 9। अब
क्वेश्चन में दिया है कि जो हमारे पास न्यू नंबर आया है वो 27 मोर देन आया है ओल्ड नंबर से, तो हमने क्या करना है, इक्वल करना है। तो 9x प्लस 9, ये तो 27 ज़्यादा है पहले से ही, तो इट मीन्स ओल्ड नंबर में 27 ऐड करेंगे, इसमें 27 ऐड करेंगे तब इसके इक्वल आएगा। 90 माइनस 9x में 27 ऐड करेंगे, 9x प्लस 9, 90 माइनस 9x प्लस 27, एक्स वाले नंबर एक तरफ ले लो और विदाउट एक्स वाले नंबर एक तरफ कर लो, ये 9x माइनस 9x प्लस 9x और 90 प्लस 27 प्लस 9 है तो उधर जाके माइनस का बन जाएगा ये, तो 9x और 9x 18x, 90 प्लस 27 माइनस 9 करोगे तो 108 आएगा, तो 18 से डिवाइड करेंगे तो 6 पर कैंसिल हो जाता है ये, तो यूनिट डिजिट 6 आ जाता है और टेंस डिजिट 9 माइनस एक्स, तो 9 माइनस 6 तो कितना आ गया 3, इट मीन्स हमारे पास यूनिट डिजिट भी है और टेंस डिजिट भी है, तो यूनिट डिजिट और टेंस डिजिट दोनों है तो हम नंबर बना सकते हैं 6 प्लस 10 इंटू 3 और 30 प्लस 6 क्या बन जाता है 36 बन जाता है, ये हमारे पास जो है नंबर आ जाता है। और मैं आपको बता देता हूँ थोड़ा सा इसके बारे में, ये क्वेश्चन थोड़ा अलग है कि आपने इसको करना कैसे है। जैसे हमारे पास 56 है, ध्यान से देखना सभी बच्चे, 56 का मीनिंग ये जो 6 है वो यूनिट डिजिट है, 5 जो है टेंस डिजिट है, तो 6 प्लस 10 इंटू 5, 10 5 जै 50 प्लस 6 तो क्या बन जाता है 56। आपने कोई भी नंबर बनाना है तो बना सकते हैं, या कोई नंबर दिया है उसमें से यूनिट डिजिट और टेन डिजिट बता सकते हैं। जैसे हमारे पास 76 है, 76 में 6 हमारे पास यूनिट डिजिट है, जो हमारे पास पहले वाला नंबर है, जो 7 है हमारे पास टेंस डिजिट है। जब भी नंबर बनता है तो ऐसे ही बनता है, यूनिट डिजिट इट मीन 6 प्लस 10 इंटू टेंस डिजिट्स 7, 10 7 जा 70 प्लस 6 तो कितना हो जाता है 76। कोई भी नंबर हो तो आप ऐसे बनाओगे, यूनिट डिजिट प्लस 10 इंटू टेंस डिजिट्स फर्स्ट नंबर प्लस सेकंड नंबर में आपने 10 से मल्टीप्लाई करना है और ऐड करोगे तो ये हमारे पास नंबर बन जाता है। तो अब हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 4 भी हमारे पास ऐसा ही है, डिजिट वाला क्वेश्चन है तो आपने खुद सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 5 मैं करा देता हूँ आपको, क्वेश्चन नंबर 4 आपने खुद सॉल्व करना है, डू योर सेल्फ। क्वेश्चन नंबर 5, इसमें दिया शुभोज मदर्स प्रेजेंट एज इज 6 टाइम्स शुभोज प्रेजेंट एज, तो शुभोज एज 5 ईयर्स फ्रॉम द नाउ विल बी द 1/3 ऑफ द हिज मदर्स प्रेजेंट एज, व्हाट इज देयर प्रेजेंट एज। उसने बोला कि जो प्रेजेंट एज है शुभोज की, जो प्रेजेंट एज है उसकी मदर की, जो प्रेजेंट एज है शुभोज की प्रेजेंट एज 6 टाइम है उसकी मदर की जो प्रेजेंट एज है। उसमें लेते हैं लेट शुभोज प्रेजेंट एज एक्स ईयर, तो मदर की क्या बन जाएगी 6x। अकॉर्डिंग क्वेश्चन, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या है कि शुभोज की जो मदर है उसकी जो प्रेजेंट एज है उसकी शुभोज की जो एज है वो 6 टाइम्स ज़्यादा है, तो एक्स इक्वल और 6x अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अब उसने बोला कि अगर आफ्टर 5 ईयर शुभोज की एज क्या बनेगी, 5 ईयर के बाद एक्स प्लस 5 बनेगी, और मदर की एज उसने बोला कि जो शुभोज की जो एज है आफ्टर 5 ईयर उसकी मदर की एज के 1/3 हो जाती है, तो इट मीन्स शुभोज की 5 ईयर के बाद एज क्या बन जाएगी एक्स प्लस 5, और मदर की जो प्रेजेंट एज उसका 1/3 क्या बनेगा 6x इंटू 1/3, इसको कट कर देना, ये कट करोगे तो 3 2 6 2 पे कट जाएगा तो 2x आ जाता है एक्स प्लस 5, और एक्स उधर चला जाता है 2x माइनस एक्स इक्वल टू 5, तो एक्स की वैल्यू हमारे पास क्या आएगी, एक्स की वैल्यू हमारे पास बन जाती है 5। इट मीन्स शुभोज एज एक्स की वैल्यू कितनी है 5 ईयर, और मदर की एज कितनी थी 6x, इट मीन 6 इंटू एक्स 6 इंटू 5 तो कितनी आ गई 30 ईयर्स, ये दोनों की एज आ जाती है प्रेजेंटेज, शुभोज और उसकी मदर की प्रेजेंटेज आ जाती है। क्वेश्चन नंबर 6 7 आपने को सॉल्व करना है, ट्राई करना है, अगर नहीं आता है तो आपने मेरे पास व्हाट्सएप कर देना, मैं आपको सॉल्व करके भेज दूंगा ये। और हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 में दिया कि हाफ ऑफ द हर्ड ऑफ द यर्ड ऑफ द डियर आर ग्रेजिंग इन द फील्ड एंड 3/4 ऑफ द रिमेनिंग आर प्लेइंग इन द नियर बाय, द रेस्ट ऑफ 9 आर ड्रिंकिंग वाटर फ्रॉम द पॉन्ड्स एंड फाइंड द नंबर ऑफ द डियर इन द यर्ड। इसने बोला कि किसी झुंड के अंदर जो है कुछ हिरन हैं, हमें ये नहीं पता कि उनकी काउंटिंग कितनी है, टोटल कितने हैं, हमने उनको बताना है कि है कितने। वो क्वेश्चन में ये बताया गया है कि हाफ ऑफ द ईयर जो है, जो हाफ हैं जितने भी हिरन हैं वो डियर हैं जितने भी हैं उनका हाफ जो है वो ग्रेजिंग इन द फील्ड्स एंड 3/4 ऑफ द रिमेनिंग आर प्लेइंग इन नियर बाय, जो बचे हुए हैं उनका 3/4 जो है ग्राउंड में प्ले कर रहे हैं, और रेस्ट 9 आर ड्रिंकिंग इन द वाटर ड्रिंकिंग वाटर फ्रॉम द पॉन्ड्स, जो बचे हुए 9 हैं वो पानी पी रहे हैं।
तो हमें नहीं पता कि टोटल कितने हैं, तो हम लिखेंगे कि लेट द टोटल नंबर ऑफ डियर्स इन द, हमने टोटल नंबर ऑफ डियर्स को एक्स लेना है। अगर आप टोटल डियर को एक्स लेते हो तो लेट द टोटल नंबर ऑफ डियर एक्स, हमारे पास टोटल जो डियर हैं वो एक्स हैं। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग उसने बोला क्या कि हाफ हाफ क्या करें, हाफ हर्ड ऑफ द डियर आर ग्रेजिंग इन द फील्ड, हाफ जो है ग्रेज कर रहे हैं और जो रिमेनिंग हाफ है उनका 3/4 एक्स बाय टू का 3/4 प्ले कर रहे हैं और कितने बचे हैं प्लस के 9 जो है पॉन्ड्स के अंदर जो है वाटर बॉटल कर रहे हैं। ये हमारे पास क्वेश्चन में दिया है कि रेस्ट 9 आर ड्रिंकिंग वाटर फ्रॉम द पॉन्ड्स, पानी पी रहे हैं पॉन्ड्स में, और इन सभी को मिला के टोटल कितना बन जाता है एक्स, क्योंकि हाफ ग्रेज कर रहे हैं, हाफ का 3/4 जो है हाफ का 3/4 ग्रेज प्ले कर रहे हैं और 9 जो है पॉन्ड्स के अंदर है, पॉन्ड्स में पानी पी रहे हैं। तो ये हमारे पास थ्री टाइप से दिए हैं, तो टोटल कितने हैं ये एक्स। अब एक्स बाय टू, 3x/8 प्लस 9 = x, न्यूमेरिकल नंबर जो हमारे पास जो कॉन्स्टेंट नंबर है 9 प्लस का इधर जाके माइनस का चला जाता है, एक्स इधर आ जाता है। तीनों का एलसीएम ले लो, 8 एलसीएम आ जाता है, 2 4 8 4x, 8 1 8 3x और 1 8 8 3 8 बन जा 8x, 4 और 3 7x माइनस 8x/8 माइनस 9 और 7x-8x माइनस x बनेगा और डिवाइडेड बाय 8-9 एज इट इज़ है, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाता है तो x इक्वल टू 9 × 8 तो 9 × 8 = 72। तो हमारे पास टोटल जो डियर कितने बन जाते हैं 72। ये हमारे पास क्वेश्चन आंसर आ जाता है, तो टोटल डियर जो हमारे पास है वो 72 हैं। और क्वेश्चन नंबर 9 और क्वेश्चन नंबर 10 आपने खुद करना है, दोनों एज से रिलेटेड क्वेश्चन है जो मैंने आपको करा दिया पहले क्वेश्चन नंबर 5, और आपने एक्सरसाइज 2.4 को आपने कंप्लीट करना है। कोई क्वेश्चन ना आए तो आपने मेरे पास व्हाट्सएप कर देना है, तो मैं आपको सॉल्व करके भेज दूंगा, आपने समझ लेना है उसको, और ये आपकी एक्सरसाइज 2.4 कंप्लीट हो जाती है, आपने कॉपी में कर लेनी है। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।